भाई उधर देखो उधर। चलने में असमर्थ हो जाए या जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, जहां पर दिक्कतें हो जाए, केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्र है तो इधर उधर की बात मत कीजिए, वहां पर प्रेसिडेंट रूल आज नहीं 2.5 महीने पहले लग जाना चाहिए। जवाब दो। लेश मात्र भी जगह नहीं है, और इसीलिए शांति की अपील जो राहुल गांधी जी और हम लोग कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री। कौन सी शांति? अजीत पवार ने 52 लोगों को मरवाया क्या चुनाव में? क्या बात कर रहे हैं, क्या तुलना है? लोग मरे हैं, उनका बलात्कार हुआ है, ये निर्लज्जता से ये तस्वीर दिखा रही है। शाम को मोदी जी ने कहा अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मैं बीच में नहीं बोली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, बौखलाहट है, घबराहट है, प्रधानमंत्री से लेकर यहां तक खिलाफ है। पहले तो लड़ाई यही होगी कि बोलेगा कौन, वो चलिए अलग बात। सेंगर की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे वीडियो पर स्वागत है और मेरे चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं जो मणिपुर की घटना हो गई है उस घटना पर। मणिपुर में जो घटना हो गई है उस घटना के लिए दोषी कौन है? कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनियावाला के बीच में हुई बहस। इस बहस पर सुप्रिया जी ने शहजाद पूनियावाला को धो डाला और शहजाद पूनियावाला ने सुप्रिया जी को पर्सनल अटैक करने की कोशिश की, फिर भी नाकाम रहा शहजाद पूनियावाला। फिर सुप्रिया जी ने कहने लगा दीदी हूँ तेरा, दीदी की तरह बात करो। शहजाद पूनियावाला पूरी तरह थक गया उस डिबेट पर और शहजाद पूनियावाला की अपनी औकात दिखा दी सुप्रिया जी ने। इसी बीच में थोक पड़ता है गोदी मीडिया के एंकर। उस एंकर का भी बहुत बुरी तरह से जवाब दिया सुप्रिया जी ने और फोटो उठाकर कहा जब नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में ये घटना हुई तब तो प्रधानमंत्री देश में ही नहीं था। उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं देने पर फर्क उठी सुप्रिया जी ने। उस मामले पर शहजाद पूनियावाला भी फर्क उठा और शहजाद पूनियावाला फरकते फरकते क्या कुछ कहा उसको ही मालूम नहीं पड़ा। चलो आप वीडियो देखते हैं, आप लोगों को इस वीडियो पर पूरा मनोरंजन आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी सर। सर जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई चोर है तो वो दूसरे की चोरी गिनवाकर बच नहीं सकता है, तो सर जब मणिपुर बलात्कार केस की बात है तो आप ही के पार्टी के किसी सदस्य ने ये कहा था कि आदमी है गलती हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि ये उन्हें बढ़ावा दे रहा है? आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, पर मणिपुर की जो घटना वो बहुत समय से चल रही है और उनकी सरकार को पता थी, मणिपुर की सरकार को पता थी, तो उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? बात तो सही है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये घटनाक्रम हिंसा की कई दिनों से हो रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आपको ये भी पता होगा कि शाहीन बाग और उससे तुलना, किसान आंदोलन से तुलना करना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। क्षमता जी, क्यों चीजें इतना लंबा एस्केलेट करती हैं? चल झूठा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमने भरसक प्रयास किया, इससे पहले भी अगर आप मणिपुर पर जाकर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े बंद और इनका सबसे बड़ा बंद जो होता था, हिंसा होती थी, हजारों लोग मारे जाते थे, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं मारा जाना चाहिए। चुप कर बे कुत्ते। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो एक घटना है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक क्या मुख्यमंत्री को वहां पर रहना चाहिए? अब बहुत अच्छा सवाल है निशान जी, आपको अगर लगता है कि किसी एक मुख्यमंत्री को ऐसे क्रिटिकल स्टेज में जहां पर अब सिचुएशन धीरे 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 करके बेहतर हो रही है वहां से हटा देना चाहिए, ये आप मांग कर सकते हैं, आप मांग ये कर सकते हैं। ओके 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 ओके। पर पश्चिम बंगाल जिसमें ऐसी स्थितियां नहीं है, वहां पर चुनाव के समय इस प्रकार की हिंसा होती है कि 52 लोग मारे जाते हैं, रिवेंज रेप होता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का सेम स्टैंड क्यों नहीं है? ठीक है भाटी साहब, एक सेकंड। टीएमसी के नहीं नहीं सर, ऐसी बात मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं इसका जवाब बिल्कुल डायरेक्ट दूंगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आर्टिकल 356 जो संविधान का है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है और वो कहता है कि जब कोई राज्य सरकार चलने में असमर्थ हो जाए या जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, जहां पर दिक्कतें हो जाए, केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अच्छा, बीरेन सिंह को इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि और कौन, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन वहां क्यों नहीं लगा रही, ये संविधान में प्रोविजन है, तो इधर उधर की बात मत कीजिए। वहां की बीरेन सिंह का जब इस्तीफा फाड़ने की नौटंकी हुई तो इनके उनको इस कांड के बारे में पता था? पता नहीं। इस कांड के बारे में गृह मंत्री को भी पता था, इस दौरान 3 दिन वहां रहकर आए थे। इस कांड के बारे में प्रधानमंत्री को भी पता था। आईबी जो लोकसभा में हमारे नेता है अधीरंजन चौधरी जी, उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, वहां पर धरना और प्रदर्शन भी किया। मैं कोई गांव से आया हूं क्या?
और आपको सुनकर शायद यह अचंभा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज में 2023 के भारत में अपना 76वां वर्ष आजादी के मनाते हुए भारत में हिंसा का लेश मात्र भी जगह नहीं है। और सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। और इसीलिए शांति की अपील जो राहुल गांधी जी और हम लोग कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री। अजीत पवार ने 52 लोगों को मरवाया क्या चुनाव में, क्या बात कर रहे हैं, क्या तुलना है, लोग मरे हैं, उनका बलात्कार हुआ है, ये निर्लज्जता से ये तस्वीर दिखा रही है, ये तस्वीर है अधीर रंजन चौधरी की, नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और बेंगलुरु में डेमोक्रेसी बचाओ। अरे कहना क्या चाहते हो, अजीत पवार जी की है। शाम को मोदी जी ने कहा अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 8 घंटे के अंदर अजीत पवार उनकी सरकार में शामिल हो जाते हैं, उस वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं जिससे धुल कर निकले हैं हेमंत बिस्व शर्मा, सुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, येदुरप्पा, बहुत लंबी फेरिस्त है, गिनानी शुरू कर दूंगी तो मुंह नहीं छुपा पाएंगे। दिनों से ये विषय चल रहा था, वहाँ पर समझ से ये बाहर की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आप में मैं बहुत ज्यादा लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, किसी अपराध का जवाब दूसरों के अपराध गिनवाना हो सकता है क्या? वहां भी चोरी हुई थी, इसलिए मेरी चोरी माफ कर दी जाए? जनता पार्टी वाले निकम्मे तो दिखाई दे रही है सरकार, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन बेशरम भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदनहीन भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये जो घटना मणिपुर में हुई है, ये मैं भारत के इतिहास में तो इतनी शर्मनाक घटना कभी हुई नहीं है। द्रौपदी के केवल वस्त्र हरण का प्रयास किया गया था, वस्त्र हरण नहीं हुए थे, अभी मजा आएगा ना, केवल वस्त्र हरण का प्रयास किया गया था, उसमें महाभारत हो गया था और सारे जो अपराधी थे वो मारे गए थे। एक बेटे अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है, हम बयान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था, उससे आपके अपराध माफ हो जाते हैं क्या? और जो आप पूछ रहे हैं निशांत जी, मणिपुर की घटना की, इस घटना की तो सरकार को पता थी, आम आदमी को तो तब पता चला जब वीडियो आए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, हमें तो तब पता चला, मणिपुर पर तो अखिलेश जी ने कई बार हिंसा हो रही थी सर, ये चैनल सबसे पहला चैनल था जो मणिपुर पहुंचा है, मणिपुर की हिंसा पर अखिलेश जी क्यों खामोश थे? बयान दिया, हम तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, हमारी पार्टी ने लगातार बयान दिया, लगातार बोले हैं, और ये सवाल उठाया है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, सिकता ये शहजाद पूनावाले अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है, ये इनके अपने विचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बयान कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं। संसद के बाहर बोले, क्या बोले, उनके शब्दों में पाखंड और चालाकी साफ झलक रही थी, राजनीति झलक रही थी। उन्होंने कहा घटनाएं कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो सब दुखद है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ऐसे ऐसे संवेदनशील घटना पर भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। वो क्या करता है रे तेरी, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, घटना पर दो शब्द नहीं बोले, घटना पर दुख प्रकट नहीं किया, कह रहे हैं वीडियो की टाइमिंग देखिए, ये फंस गया, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तभी वीडियो क्यों आई। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं शहजाद भाई, एक मिनट रुकिए बाटी साहब, एक मिनट, ये भगवान क्या जुल्म है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी का स्टैंड जो है बहुत क्लियर है चिराग पासवान का, कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि रहबर ने कारवा क्यों लूटा, उंगली ये सवाल आपका बीजेपी से, भाटी जी से, हमारे बड़े अच्छे वकील, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। आज जब आपसे कहा जा रहा है कि संसद में बहस कीजिए तो आप कर नहीं रहे, सुशील आपसे मैंने पूछा कि क्या आप बीजेपी से सवाल का जवाब मांग रहे हैं, आप इनसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी का जो स्टैंड है, आप उस स्टैंड के साथ हैं या उस स्टैंड के अगेंस्ट में हैं, मेरा सवाल ये आपसे, हमारा सीधा जवाब है
कि मणिपुर की घटना शर्मनाक घटना है, सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे? ये और विपक्ष डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकता। उन्होंने सवाल उनका जवाब दिया, एक रिएक्शन लेके फिर मैं आपके पास आया। आरटी जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक चोरी का जवाब कोई एक कहकर नहीं दे सकता, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे, दूसरी जगह चोरी हुई, ये बिल्कुल सही तर्क है। पर चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए ये नहीं कर सकता कि वहां पे देखिए वहां चोरी हो रही है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। बच्ची के बलात्कारी को कैंपेनिंग के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए और उनको नहीं टिकट दे पाते कन्विक्शन के बाद तो उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। पहले आप इस पर स्टैंड ले लीजिए अपनी पार्टी का कि ये सही है गलत, फिर नेता है खड़गे जी आगे, उनके नेतागण आगे ये स्वागत कर रही है। कैसे स्वागत कर रहा हूं? आपने कैसे स्वागत किया ममता दीदी का, बताइए ना मुझे। शुक्रिया जी, मैं एक शब्द नहीं बोली अब, आप मुझे लगता है मैं भी चुप रहूंगा, तो गेम बजाना पड़ूंगा, बोलिए ना। अजय जी आप थोड़े कंफ्यूज हैं, आप इनके साथ हैं इनके खिलाफ हैं? पहले तो लड़ाई यही हो गई कि बोलेगा कौन, वो चलिए अलग बात है, बीच में मत बोलिए प्लीज। चिंता नहीं, अजय जी मैं आपके अजय जी, अजय जी वो बोल रही थी, उनको बोलने दीजिए। कोई भी आके बता जाता है, अजय जी थोड़े कंफ्यूज हैं यहाँ पर। अजय जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ये हुई ना बात, सवाल इधर है, आपसे भी है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपने अनर्गल बातें करी, मैं नहीं बोली थी। मुझे लगता है यहाँ पर कन्विक्शन के बाद किसको टिकट दिया जाएगा, कुलदीप सिंह सेंगर कंट्रोल, हत्या का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, दोषी है, दो दो कोर्ट ने दोष जो है वो अपहेल्ड किया है, टिकट दिया। यूपी के बारे में कम जानते हो, मुझसे थोड़ा सा मुझे ये दो, यूपी के बारे में कम जानते हो। 5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूँ, अच्छी बात है। तीसरे आए, तीसरे की रेस, तीन लोगों की रेस में तीसरे आए, ये भी मैं जानता हूँ। की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया, बताइए। आपके एमपी जाकर उनसे जेल में मिलते हैं, आपके एमपी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। अभी बताते साक्षी महाराज आपके एमपी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में, सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति धारीवाल पर कभी नहीं बोली, और राजस्थान पे नहीं बोलेंगे, बार बार ये बात कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बता देती हूं, आप तो झूठ नहीं करती रेप पर, मैं बीच में नहीं बोली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, बौखलाहट है, घबराहट है, प्रधानमंत्री से लेकर यहां तक दिख रही है दर्शकों को, बात तो सही है, वो समझ ही गया। कन्विक्शन रेट राजस्थान में बलात्कार का 47.9% है, आधे केसेस फेक करके आप ड्रॉप करवा देते हैं हिंदुस्तान का। मैं जानना चाहती हूँ राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक ट्राइबल के ऊपर इनका नेता पेशाब करता है, 2 महीने तक उस मामले को दबाया जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं और ट्राइबल की बात करते हैं। एक दलित नेता के साथ, इनका इनके नेता ने दलित के साथ क्या कुकृत्य किया है मध्य प्रदेश में, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा हर बार जब मुंह खोलते हैं तो या तो औरतों का या देश का अपमान करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, उनका राज्य नंबर 1 है अत्याचार में महिलाओं के, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हम यहाँ पर महिला वर्सेस महिला की लड़ाई लड़ने आए, असलियत यह है कि जो आदमी 2 महीने पहले तक अपनी पीठ ठोक कर और सीना ठोक कर कहता था एक अकेला, उसको 38 की जरूरत पड़ गई और 38 वो जिसमें से 24 के पास 0 विधायक है, 7 के पास 1 और 2 के पास 2, ये असलियत है। बौखलाहट ये है, बौखलाहट ये है, घबराहट ये है, पैरों के तले से जमीन खिसक रही है और दिख ऐसे रही।